ठीक अली टाक जी। सम्मानीय सभापति महोदय, लोकतंत्र के इस पावन मंदिर में मुझे 6 साल पहले आने का अवसर मिला। आपका स्नेह और प्यार जो मुझे मिला वो मेरे जीवन की निधि है। उपाध्यक्ष जी हो या नेता सदन हो या प्रतिपक्ष के नेता हो या पूर्व प्रधानमंत्री जी हो, सबका मुझे निरंतर प्यार मिला। इसके लिए मैं हृदय से आप सबका, इस सदन में सभी दलों का बहुत बहुत अभिवादन और धन्यवाद करना चाहता हूँ। राजनीति के इस सफर में स्कूल से मैंने राजनीतिक जीवन शुरू किया, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के चुनाव लड़े, स्कूल का प्रधानमंत्री और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के सीनेट रहे और फिर 1985 में विधानसभा के सदस्य के रूप में आने का अवसर मिला। चीफ विप रहा, मंत्री रहा, चार चार मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का गौरव मिला और उसमें हरदेव जोशी हों, शिवचरण माथुर हों, अशोक गहलोत हों या भैरव सिंह शेखावत भी रहे जो इस सदन के अध्यक्ष रहे। उन सब के काम करने के बाद राजनीति के सफर में, चाहे मैं NSUI का राज्य का अध्यक्ष रहा, चाहे मैं यूथ कांग्रेस का राज्य का अध्यक्ष रहा, चाहे मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महामंत्री रहा, एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने मेरी पहचान बनी। उस पहचान के साथ अलग अलग स्थानों से मैंने चुनाव लड़े, चाहे फतेहपुर सीकर जिले का हो, चाहे चूरू मेरा विधानसभा क्षेत्र रहा हो, चाहे जयपुर से चुनाव लड़ने का मुझे गौरव मिला हो। सभी 3 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के बाद, 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने के बाद, 4 प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्षों के साथ काम करने के बाद जो मुझे अवसर मिला, उस अवसर के साथ केंद्रीय नेतृत्व इंदिरा जी को देखा, राजीव जी को देखा और जो स्नेह जो मुझे सोनिया जी से मिला एक राज्यसभा के सदस्य के रूप में नियुक्त होने का, चुनाव लड़ने का, उसके लिए इसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मेरे राज्य के साथ में जो भी मैं विषय, चाहे UPA की सरकार के समय, चाहे NDA की सरकार के समय, जो मेरे दल के मुझे आदर निर्देश मिले, उन निर्देशों का पालन किया और आपके आदेशों का पालन किया। थैंक यू। और उस आदर्श पालन के साथ में आज ये विदाई की बेला है। मैं आपको, आपके साथ सभी दलों को और सभी माननीय सदस्यों को आपके दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपका मार्गदर्शन जीवन पर्यंत मेरे काम आएगा, आपका संबंध जीवन पर्यंत मेरे काम आएगा। जिंदगी के सफर में ये कोई शाम नहीं है और ये कोई विराम नहीं है। थैंक यू। कल हम फिर नया सफर शुरू करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।